हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टेक पर। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने एक फॉर्म है। बेसिकली जो यह फॉर्म है, यह उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई गई जो स्कीम है, जिसमें आपको टैबलेट, स्मार्टफोन और लैपटॉप मिलने वाला है, उसी के लिए यह फॉर्म है। ठीक है, और इससे जुड़े आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, जैसे कि यह फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा और यह फॉर्म जो है ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है, साथ ही साथ इस फॉर्म को भरने के बाद आपको कहाँ पर जमा करना है, इसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसकी लास्ट डेट क्या क्या है और इसमें क्या क्या डिटेल डालनी है। ठीक है, और साथ ही साथ यह जो लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन है, यह किसको किसको मिलेगा। ठीक है, इससे इस फॉर्म से जुड़े बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, तो इस वीडियो में मैं आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगा। तो आपको पूरा वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखना है, ठीक है, और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि यह फॉर्म जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा। तो इस फॉर्म का जो PDF का लिंक है, मैंने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सभी लोग जाके वहाँ से इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यह जो फॉर्म है बेसिकली ऑफलाइन है और इसको आपको प्रिंट आउट निकलवा के इसमें अपनी डिटेल डाल के अपने कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय जो भी हैं, जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, उसमें जमा करना है। ठीक है, तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस फॉर्म में क्या क्या आपको डिटेल डालनी है, उसके बाद जानेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए, उसके बाद जानेंगे इसका लास्ट डेट क्या है। ठीक है, और भी जो आपके सवाल है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें डालना क्या है, कौन सी डिटेल इसमें डालनी है। तो उसके पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यह इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड देयर अफिलेटेड कॉलेज और ITI पॉलिटेक्निक के लिए, और साथ ही साथ ETC दिया है, यानी कि जो भी अदर कॉलेज हैं उनके लिए है। ठीक है, जो भी अदर कोर्स के हैं, जैसे इसमें आपका मेडिकल वाला, इंजीनियरिंग वाला भी आ गया होगा, इसमें लिखा नहीं है, इसीलिए ETC लिख दिया है। ठीक है, तो इसमें आप सभी लोग देख सकते हैं, इसमें आपका सबसे पहले वाले में स्टूडेंट नेम यानी कि अपना नाम, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल ID डालनी है। ठीक है, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, आपके पास होगा, आप सभी लोग इसको फिल कर देंगे और पेन से यहाँ पे फिल करना है इसके सामने। ठीक है, और कैपिटल लेटर में फिल करना है। साथ ही साथ आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि परमानेंट एड्रेस है, तो यह जो एड्रेस है बेसिकली आपका जहाँ पर घर है वहाँ का डालना है। ठीक है, आप लोग जहाँ पर इस समय हैं वहाँ का एड्रेस बिल्कुल नहीं डालना है, आपका जहाँ पर घर है वहीं पर डालना है। ठीक है, जहाँ जहाँ आपका पोस्ट ऑफिस होगा, जहाँ आपका घर होगा, वहीं का एड्रेस डालना है। तहसील आपको अपनी डालनी है, डिस्ट्रिक्ट डालना है और अपने एरिया का पिन कोड डालना है। ठीक है, यह जो पिन कोड है यह आपके विश्वविद्यालय या फिर यूनिवर्सिटी का पिन कोड नहीं है, यह आपके एरिया का पिन कोड है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर नेटिव स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश डालना है और यूनिवर्सिटी नेम यानी कि जो जिस भी विश्वविद्यालय से आप पढ़ते हैं, जिस भी कॉलेज से आप लोग पढ़ते हैं, उसका नाम यहाँ पर डालना है। तो अगर मान लीजिए आप DD यूनिवर्सिटी से फॉर्म भरने हैं, तो आपको इसके सामने पूरा नाम लिखना होगा, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, इंग्लिश में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन कोड डालना है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज हैं कि इसमें कोड क्या डालें। तो अगर आप गोरखपुर विश्वविद्यालय से भर रहे हैं फॉर्म, तो आपको 001 डालना है। ठीक है, और अगर आप किसी अन्य विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज से भर रहे हैं, तो आप अपने कॉलेज में पता कर लीजिएगा, हालांकि इसमें गोरखपुर विश्वविद्यालय वाले छात्र 001 डालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशन नेम एंड एड्रेस। तो इसमें आपको अपने यूनिवर्सिटी का नाम या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन उसका नाम डालना है। ठीक है, जैसे इसमें डालना था वही इसमें भी डालना है, और इसमें उसका एड्रेस डालना कि कहाँ पर वह इंस्टीट्यूशन स्थित है। जैसे आपका गोरखपुर विश्वविद्यालय है जो कि गोरखपुर में है, तो यहाँ पर कॉमा करके गोरखपुर भी डाल देंगे और यहाँ पर पूरा विश्वविद्यालय का नाम। अगला है स्टूडेंट इनरोलमेंट नंबर। ठीक है, यह आपको कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि यह जो है आपके मार्कशीट पर होगा। ठीक है, अगर आप BA के छात्र हैं तो BA की मार्कशीट पर आपको दिया गया होगा, पिछले साल की जो आपकी मार्कशीट है। अगर आप BSc के छात्र हैं तो BSc के मार्कशीट पर होगा, और जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं, तो फर्स्ट ईयर को पंजीयन क्रमांक मिला होगा, वही आपका इनरोलमेंट नंबर होगा। ठीक है, तो उसको आपको इसमें डालना है। अगर आपका इसके बाद भी कन्फ्यूजन है कि इनरोलमेंट नंबर क्या है, तो आप अपने डीन ऑफिस या फिर अपने कॉलेज के जो भी ऑफिस है उसमें जाके पता कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेम ऑफ कोर्स यानी कि आप कौन से कोर्स करते हैं। तो अगर आप हायर एजुकेशन के हैं, जैसे UG करते हैं, BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, तो आपको इस पर टिक करना है। पॉलिटेक्निक करते हैं तो इस पर करना है, ITI करते हैं तो इस पर, और इंजीनियरिंग करते हैं तो इस पर। ठीक है, और नीचे भी दिया गया है, जो भी आप होंगे उस पर आपको टिक करना है। कौशल विकास योजना वाले हैं तो इस पर टिक करना है। साथ ही साथ आपको लेवल ऑफ कोर्स यानी कि कौन सा कोर्स आप करते हैं उसका लेवल क्या है, तो अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो इस पर टिक करेंगे। ग्रेजुएट
ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएट वाले पे, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो इस पे, और डॉक्टरेट करते हैं तो इस पे। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि यह केवल यूजी के लिए है या फिर पीजी के लिए भी है। तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं कि यूजी पीजी दोनों का दिया है, और नीचे भी बीए बीएससी बीकॉम एमएम एससी एमकॉम सभी के लिए दिया गया है। तो बेसिकली यह जो फॉर्म है यह सभी के लिए होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में सभी के लिए फॉर्म नहीं जमा किया जा रहा है। तो आप सभी लोग जाके पता कर सकते हैं। ठीक है, हालाँकि जो इसमें डिटेल दी गई है उसके हिसाब से यूजी और पीजी दोनों के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो यूजी और पीजी वाले दोनों छात्र इसको भर सकते हैं। साथ ही साथ कोर्स कौन सा है आपका, तो इसमें अगर आप बीएससी करते हैं तो बीएससी, बीकॉम करते हैं तो बीकॉम पर टिक, जो भी आप करते हैं एमएम एससी एमकॉम उस पर टिक करना है। और साथ ही साथ आपका करंट ईयर कौन सा है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है या फिर थर्ड ईयर है। अब देखिए इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज थे कि क्या सर फर्स्ट ईयर वाले ही भर सकते हैं फॉर्म, क्या सेकेंड ईयर वाले बस भर सकते हैं या फिर थर्ड ईयर वाले भर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यह तीनों साल के छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पर विकल्प में भी देख सकते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों साल के छात्र यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका पीजी है तो पीजी तो बेसिकली दो ही साल का होता है, तो फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर डालेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपके सब्जेक्ट कौन से हैं, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। अगर आप यूजी कोर्स कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर में है या फिर फर्स्ट ईयर में है तो आपको तीन सब्जेक्ट डालना होगा। अगर आप थर्ड ईयर में है तो आपके दो ही सब्जेक्ट होंगे। अगर आप पीजी में है तो आपके एक ही सब्जेक्ट होंगे। जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, और यही आपका फॉर्मेट है टैबलेट, स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए। देखिए बेसिकली जो यह फॉर्म है यह स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए है, स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए है, क्योंकि इसके साथ जो नोटिस दी गई थी उसमें यह मेंशन किया गया था। लेकिन इसी के बेस पे आपको लैपटॉप भी मिल सकता है। ठीक है, इसी के बेस पे आपको लैपटॉप भी मिल सकता है। अब मैं यह क्यों कह रहा हूँ, देखिए लैपटॉप वाला जो फॉर्म आएगा उसमें भी यही सारी डिटेल डालनी होंगी और यही सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो हो सकता है कि कोई अदर फॉर्म ना निकाल के इसी के बेस पर आपको लैपटॉप भी मिल जाए, या फिर हो सकता है इसके लिए अलग से कोई फॉर्म आए जो कि ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। जो भी होगा मैं आपको इस चैनल पर बता दूंगा, उसके लिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अब बात करते हैं कि इसके साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्म को पूरा भरने के बाद आपको दिन ऑफिस में जाके, जो भी आपका ऑफिस है वहाँ पर जाके जमा करना होगा। और इसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं उन सभी को इसमें आप लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, जब आप लोग दिन ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप लोग सभी जो भी डॉक्यूमेंट आपके हैं सभी का फोटोकॉपी साथ में रखेंगे। जैसे आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आपका फीस रसीद जरूर ले लीजिएगा, फी रिसिप्ट आपका जरूर लगेगा। ठीक है, आपका हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट, साथ ही साथ अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मार्कशीट, अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मार्कशीट, यानी कि आपका जो भी आप जिस भी कोर्स के छात्र हैं उसके पीछे वाली मार्कशीट आपकी लगेगी। ठीक है, और यही सब आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास होंगे। ठीक है, अब कई लोग पूछ रहे थे कि क्या सर इसमें पासबुक भी लगेगा, तो पासबुक तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास पासबुक की फोटोकॉपी है तो उसको भी ले लीजिएगा। इसीलिए मैंने कहा कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है सब कुछ ले लीजिएगा। ठीक है, और इसकी इस जो फॉर्म की जो प्रिंटआउट है, कई लोग पूछ रहे थे कि सर यह फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी साइबर कैफे से यह फॉर्म मिल जाएगा। जहाँ पर भी फॉर्म ऑनलाइन होता है वहाँ से आपको यह फॉर्म आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि आप चाहें तो इसका लिंक मैंने नीचे दे दिया, तो आप सभी लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है। तो मैं आपको लास्ट डेट इसका बता देता हूँ कि इसकी जो लास्ट डेट है बेसिकली वह 30 नवंबर तक है। ठीक है, 30 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही दिवाली की छुट्टी ख़त्म होती है आप सभी लोग इस फॉर्म को भर के अपने विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज में जाके जमा कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कि बाद में फॉर्म न जमा किया जाए। ठीक है, तो आप लोग लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करेंगे। दिवाली की छुट्टी या फिर जो भी आपको जब भी मौका मिलता है तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर के जमा कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपके सारे जो कन्फ्यूजन थे वह क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर आपके इसके अलावा भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और जैसे ही लैपटॉप वाला फॉर्म आएगा या फिर कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके
दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें ताकि उनके सारे उनके भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।